प्रत्याशी अनु टंडन जी हैं, अनु टंडन जी हैं जो कि यहां पे एक बार सांसद रह चुकी हैं और तीसरी बार गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज उनके जनसभा के दौरान, उनके नामांकन के दौरान जिस तरह जनसमूह देखने मिला उससे समाजवादी पार्टी गठबंधन में ओत प्रोत है और वो जीत को लेकर के लगभग अस्वस्थ होते दिखाई पड़े। क्या लगता है मैम आपको इस बार 2024 के चुनाव में कितने वोटों से जीत मिलने वाली? ऐसा है, वोटों का आकलन नहीं करती हूँ, लेकिन आज जो जनसमूह देखा आपने उससे स्नेह का आकलन तो कर ही लिया होगा। स्नेह आपको 2009 में भी उन्नाव जनता ने दिया था, 2009 में भी दिया और ना 2014 ना जो 2019 में कम हुआ, लेकिन थोड़ा सा कोई आया और उनको अब तो एक नया नारा आ गया है, वो तो कह रहे हैं 400 पार, 4 लाख पार, 5 लाख पार, तो अब तो कहा जा नदिया के पार, ये एक गंगा पार, ये कौन सा नारा लाया है? असम ऐसा है कि हमारे आपने दिया गंगा पार, हमीं ने बताया, बताएं क्या नारा आपका है? देखिए आपने पूछा था कि इस बार क्या है, आपने कहा 400 पार है, तो हमने कहा हमें नहीं पता कितना पार, हमें मालूम है कि हम उन्नाव की बात कर रहे हैं, तो उन्नाव में जो लोग बाहर से आए थे उनको गंगा पार का नारा, गंगा पार भेजना है कि उन्नाव सांसद साची महाराज गंगा पार जनता भेजने वाली है और इस बार उन्नाव की बेटी अनु टंडन को अपना नेता चुनने वाली है। जी मुझे प्रतिनिधि बनकर वो सारे अरमान पूरे करने हैं अपने उन्नाव के परिवार के जो हम लोग 10 साल से परेशान। ये तो लोग आपके बारे में आज भी कहते हैं कि आप जिस तरह से गरीब के साथ में खड़ी रहती हैं उतना आज तक किसी नेता ने अपना सहानुभूति या दिलचस्पी उनका नहीं दिखाई। कभी कभी गरीबों घर पहुंचना, सत्ता में न रहना, उसके बाद में मेहनत करना, काम करना, यही स्नेह प्यार उन्नाव जनता क्या बच्चा गाँव देने वाला है आपको? ऐसा है कि मैं उनको प्यार करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे प्यार करते। ये बहुत बड़ी बात है कि लगाव है, चुनाव नहीं, एक आपसी स्नेह लगाव होता है जिसको लेकर के प्यार है, तो प्यार होने का मतलब ये आगे कुछ होने वाला है।